गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सो आइए शुरू करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1। ठीक है जी, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो उसका जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो लिखा गया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। तो किस तरीके से होगा, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक टावर है, एक क्या है, एक टावर है, एक टावर मान लेते हैं, लेट दिस थिंग बी टावर, ए बी जो है कोई टावर है, और क्या कहता है, इसके टॉप से ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट आ गया इस टावर के टॉप से यहां से यहां। ठीक है जी, वो बोल रहा है कि जहां जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री ग्राउंड के साथ में, और ग्राउंड का डिस्टेंस यहां से जहां फुट ऑफ टावर तक में लिखा भी है, व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से वो जो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर वो कितना है, 30 मीटर, कितना है जी, इज 30 मीटर अवे, कितना मीटर है, 30 मीटर अवे। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है आपको, ये हाइट जो है निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सेलेक्ट ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ टावर, मान लो कि जो आपका ए बी है वो टावर की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। सेलेक्ट ए बी, आप मान के चलो एच, ए बी इज एच मीटर, कितना मीटर है, एच मीटर, ए बी कितना हो गया, एच मीटर। अब देखिए यहाँ जो एंगल है, जो टावर जो है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये बनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, क्या बनी, राइट ट्रायंगल। तो आइए इसको देख लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के अंदर क्या होगा, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री की साइड को, और ये वाली जो साइड होती है मतलब बेस। ठीक है, और ये साइड हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड दी गई है, तो इसमें लिख लेंगे हम, इसमें आप लिख सकते हो कि P जो है वो H है आपका, H मीटर, और जो बेस है वो कितना है, 30। ठीक है जी, अब आपको निकालना क्या है, इसमें आपको ये वाली साइड निकालनी है, P निकालना है, तो आप फॉर्मूला यूज कर इस्तेमाल कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, ऊपर हो गया साइन कॉस टैन। ठीक है, यानी साइन होगा तो पी बाई एच, कॉस होगा तो पी बाई एच, टैन होगा तो पी बाई बी ले। अब देखिए आपको b दिया है और आपको p लेना है, मतलब b दिया हुआ है p निकालना है, तो उसके लिए आपको देखना है b, p और b किस में आता है, तो किस में आता है, tan में, तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो tan, और थीटा एंगल आपको दिया हुआ है, यहां लिख सकते हो थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, यहां पे एंगल कितना है, थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, यहां पे ले लीजिए tan 30 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू p बाय p, tan 30 कितना होता है, इसके लिए आप अलग से टेबल बना सकते हो sin cos tan, और इधर लिख सकते हो 30, 45, 60, 1.2, 1.2, 2, 3/2, तो यहाँ से फिर से बना लीजिए रूट थ्री बाई टू, तरबीब हो जाएगा 1/2, और इसकी कैंसिल होगा तो 1/2, और इसका 1 और इसका 2, 3, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी प्रीवियस वीडियो, जब आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको जो है ये पता चल जाएगा। तो टेन 30 कितना हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो 2 कटा था 1/√3 हो गया, कितना हो गया 1/√3, भर लेंगे 1/√3, p कितना है, h है, b कितना है, 30 है, तो 30 इधर आ गया, 30/√3 is equal to h। ठीक है जी, तो जब भी ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम h is equal to कितना हो गया, 30/√3, तब हम करेंगे rationalize, क्या करेंगे rationalize, by rationalizing। ठीक है जी, तो क्या किया हमने, rationalize कैसे करते हैं, root 3 अगर नीचे है तो ऊपर नीचे दोनों के साथ उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो अब आपको कितना मिल गया, एच मिल गया 30√3/√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपस में कट गया, ये कितना मिला 30√3/3, इसने इसको काट दिया तो 10 आ गया, ये आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, सो आप कह सकते हो जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी आ गई, 10। ठीक है जी, 10√3 मीटर, देयरफॉर हाइट टावर इज कितनी होगी, 10√3 मीटर।
टैन ऑफ 3 मीटर घंटा को इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, सो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग जो है, एक काइट जो है, वो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड आ गया, यहाँ कहीं काइट उड़ रही है और ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो काइट का डिस्टेंस है ग्राउंड से वो है 60 मीटर। चलिए यहाँ तक डिस्कस हो गया। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ जो काइट है इसके साथ जो रस्सी बंधी है, ठीक है जी, उसको यहाँ कहीं ग्राउंड के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के साथ बांध दिया गया है। ठीक है जी, अ काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, कोई पत्थर है, कुछ भी लगा लो जिनके साथ उस रस्सी को बांध दिया गया टेम्पररी। तो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कहता है कि जो स्ट्रिंग उड़ रही है ग्राउंड के साथ, जो पतंग है वो एंगल बनाती है यहाँ पे 60 डिग्री। ये आ गया ग्राउंड की, ये आ गई स्ट्रिंग, पतंग की वो रस्सी, वो डोर जिसके साथ पतंग उड़ रही है। ठीक है जी, और कह रहा है कि यहाँ और यहाँ का जो एंगल है बीच में वो 60 डिग्री है। क्या बताना है आपने, आपने लेंथ निकालनी है, ये इसकी लेंथ निकालनी है और अज्यूम ये करना है कि इसमें कोई भी स्लैग नहीं है, कहीं से टूटी नहीं है, कहीं से उसको जोड़ा नहीं गया, वो एकदम से साफ सुथरी रस्सी है। सो अज्यूम कर लेते हैं अगेन। ठीक है, आप मान के चलो जो ए सी है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ स्ट्रेंथ। आइए करेंगे कैसे लिखेंगे। सो अज्यूम सो दैट ए सी रिप्रेजेंट, ए सी क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग आपने निकालनी है उसकी लेंथ कितनी, क्या है ए सी। तो मान लो कि ए सी जो है कितना है, एल मीटर है, क्योंकि मीटर में ही आंसर सारे तो मीटर में निकलेंगे, एल मीटर। ठीक है जी, थीटा एंगल यहाँ दे दिया 60 डिग्री। सो इन राइट ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी, ये पकड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाली साइड दी है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाली जो साइड होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर पी होता है, पी कितना आ गया, पी आ गया 60 मीटर। ठीक है जी, और आपको ये निकालना है, इसको बोलते हैं एच हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। एच आपको क्या करना है, एच को निकालना है। ठीक है, एच बराबर किसके है, एल के बराबर है। ठीक है, ये निकालना है तो यूज करेंगे। अब देखो ये हो गया P, ये हो गया H, किसमें आता है, ये sin थीटा का फॉर्म होता है। देखो sin थीटा जो बराबर होता है किसके होता है, P / H के, तो इस्तेमाल करेंगे sin और थीटा का गया 60 डिग्री और ये बराबर होगा P / H के। तो sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, इसकी वैल्यू आपको याद चल रही है 1/2 1/2 और √3/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। P कितना होगा 60, H कितना है, L। ठीक है जी, इसको निकाल देंगे, एल इधर चला जाएगा, √3L इज इक्वल टू 60 × 2, ये कितना निकला, √3L कितना हो गया 120। सो एल की वैल्यू होगी 120/√3। अब क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में किया रैशनलाइजिंग, तो करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये आपको मिलेगा 120√3/√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा तो आपको मिला L इज इक्वल टू 120√3/3। तो 3 इसको काट देगा, 3 × 4 = 40 हो गया, L कितना हो गया 40√3। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, 40√3। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर आंसर। ठीक है जी, सो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम